बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में संचालित परिषदीय स्कूलों के क्रियाकलापों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महानिदेशक बेसिक विजय किरण आनंद ने प्रेरणा ऐप कायाकल्प योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों, परिषदीय स्कूलों के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने, उनके डिजिटल मार्कशीट के वितरण सहित बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। ठीक है सर, अच्छा चल रहा है सर। अभी जो बुनियादी शिक्षा और शिक्षक संकुल का उपचारात्मक शिक्षा की ट्रेनिंग हुई थी, कैसे चली ब्लॉक सर? कुछ तो गहराई में बताओ यार, आप बैठे थे, आपने संबोधन किया, टीचर का फीडबैक क्या है, अच्छी थी, खराब थी, अच्छी तो बोलो नहीं, क्या था वादा बताया आपने, प्रतिष्ठा के खिलाफ था? खाए सर, खाए हैं सर। या प्रतिष्ठा के खिलाफ है? खाए हैं सर, खाए। रोज बैठे थे? नहीं सर, हमारे यहाँ सर अच्छा है सर, कोई दिक्कत। बुनियादी शिक्षा के जितने बिंदु आपने बताए हैं वो सब क्लासरूम में चमत्कार दिख जाएगा सर। है आज की डेट में सर हमारे यहाँ 5 विद्यालय है सर। अभी जो स्कूल चल रहा है सर, हमारे यहाँ सर वॉलेंटियर हम लोग बना के शिक्षण कार्य करवा रहे हैं सर। जहाँ ऑनलाइन शिक्षा नहीं पहुँच पा रहा है सर, वहाँ पे हम लोग वॉलेंटियर तैयार करवा नहीं किया है मेरा होता सर। नहीं सर, आप आइए सर, हम दिखाते हैं सर, हमारे यहाँ क्वालिटी में बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। आऊंगा, जरूर आऊंगा, चिंता मत करो, बहुत आएंगे अभी। अभी हमारी टीम जौनपुर भी आ रही है, एक वो देखेगी पूरा चीज। लेकिन मिशन प्रेरणा में सब लोग थोड़ा नोट कर लीजिए क्या करना है, और बहुत महत्वपूर्ण योजना है हमारे लिए, अस्तित्व की लड़ाई, सरकारी परिषदी सिस्टम के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, सर्वाइवल की लड़ाई, और इसमें आप लोगों को मुख्य भूमिका निभानी है। तो सबसे पहले ARP और शिक्षक संकुल के लिए व्यवस्थाएं और उनके साथ संवाद, निरंतर नियमित बैठकें, समीक्षा और संवाद की व्यवस्था आपको करनी है वीडियो मीट के माध्यम से। दूसरा, हेडमास्टर्स के साथ बैठक करनी है और उनमें ये एहसास दिलाना है कि परिवर्तित क्लासरूम क्या हो। हो सकता है कोई हेडमास्टर ऐसा हो जो अभी रिटायरमेंट में 5-6 महीने एवरेज एज होता है रिटायरमेंट का, करीब हेडमास्टर बनने का करीब 50 साल, तो वो ज्यादा इंसेंटिव नहीं रहेगा उसको। लेकिन उसको आपको जगाना है कि देखो क्लासरूम के अंदर परिवर्तन कैसे करना है, क्या रूपरेखा। सबसे पहले अभी NCERT की किताबें आ रही है लाइब्रेरी की, रीडिंग कॉर्नर के गाइडलाइन हमने भेजे हैं, तो रीडिंग कॉर्नर बनाना है, कॉम्पोजिट रैक अलमारी खरीदनी है, और वहाँ किताबें जो पहले से आपने ली हैं और जो NCERT की 500 ज्यादा किताबें आ रही है वो रीडिंग कॉर्नर बनाना है। किताबें बहुत अच्छी अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को ये एक्सपोजर होना चाहिए। दूसरा, जो रिपोर्ट कार्ड आपको पहुंचना शुरू हो गया है, अगले 10-15 दिन में सभी जनों में पहुंच जाएंगे। ब्लॉक लेवल से ऑनलाइन जो स्कूल वार रिपोर्ट कार्ड है उसका PDF भेज देना है टीचर को व्हाट्सएप पे, हेडमास्टर को व्हाट्सएप पे, और वो हाथ से भरेंगे ये रिपोर्ट कार्ड, और अभिभावकों को छोटे छोटे समूह में बुला के उनको बांटेंगे प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, रिपोर्ट कार्ड में उनके बच्चे किस अधिगम स्तर पर है और वो आगे जाके क्या क्या उनको करना है, उनके शैक्षणिक कार्य में उनको जोड़ना है, उनको प्रतिभागी बनाना है, उनके गृह कार्य में उनको जोड़ना है, उनके सपनों को साकार करने के लिए जोड़ना है। और मेरा अनुभव है फील्ड का, सबसे कमजोर वर्ग का अभिभावक सबसे बेस्ट रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सुनना नहीं है कि ये आम धारणा है कि अभिभावक अपने बच्चों से चिंता नहीं करते, ये गलत है। जितना बच्चा आप और जितना अपने बच्चे पे आप और मैं प्यार करते हैं उतना ही वो भी करते हैं, उसको भी उसको बस ये उम्मीद नहीं है कि ये तो सफलता होगी, लेकिन उम्मीद जगा होगी, वो मैं पढ़ के करेगा क्या, क्योंकि कुछ होगा नहीं, हमारे सिस्टम पे उसको विश्वास नहीं, विश्वास जगाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कदम है हमारे रिपोर्ट कार्ड वितरण का काम। तीसरा, जो आपके ARP SRG को मोटिवेट करते हुए, शिक्षण को मोटिवेट करते हुए, तो आधारशिला ज्ञान आकर्षक शिक्षण संग्रह जो किताबें दी है, और अभी उसके बारे में टीचर मैनुअल, शिक्षक आधारशिला मॉड्यूल को पढ़ाने के संदर्शिका पाठ्य पुस्तक अधिकारी के माध्यम से आपको पहुंच जाएगी एक महीने के भीतर, जैसे आधारशिला पहुंचे वैसे ये भी पहुंचेगी, उसको टीचर तक पहुंचाना है। और इसमें
जैसे हर एक संदर्शिका में ये दिया गया है कि साप्ताहिक पंचांग क्या होगा, उसको अक्टूबर से लेके जून तक के लिए लागू करते हैं। टीचर को उस वक्त कट्टर होना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हर चैप्टर में कौन सा गति मतलब हासिल हो रहा है, उसमें ग्रहदारी क्या होना चाहिए, उसमें कौन से गतिविधि पढ़ानी चाहिए, कौन सा किट यूज करना चाहिए, कौन सा सामग्री पीएलएम यूज करना चाहिए, उसमें क्या क्या उदाहरण देना चाहिए, उसका लेसन प्लान क्या होता है, सब कुछ दिया हुआ है, कस्टमाइज दिया हुआ है, खूबसूरत चीजें पूरी इंडिया में दिखाई। ये गेम चेंजर है। मेरा मानना है कि ये हमारी गीता है, बाइबल से पुराना है, और इसको संदर्शिका आधार से टेक्निक को क्लासों में लागू करिए। 6 महीने में 25% से 50% अधिकांश कर चला मार देंगे। हमारे मार्गदर्शक दस्तावेज बने थे। चौथा, गणित के किट एनसीईआरटी आपको सप्लाई कर रहा है। अभी अक्टूबर में हम ट्रेनिंग करेंगे सभी टीचर्स को कि कैसे गणित के किट संदर्शिका पोस्टर कन्वर्जन चार्ट और नई सामग्री जो भेजी जा रही है उसको कैसे उपयोग करना है, और क्लासरूम में उसके माध्यम से कैसे रोचक एक्टिविटी बेस्ड टीम बेस्ड पढ़ाई करानी है, बच्चों को मनमोहक लगे, आकर्षक लगे, तेज लगे, और उसमें उपस्थिति बढ़ेगी, अभिभावक की रुचि बढ़ेगी और नया वातावरण मिलेगा क्लासरूम। पांचवा, अभी यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पोस्टर कॉन्वर्सेशन चार्ट और रीडिंग बुक यहाँ से भेजे जा रहे हैं, 1 महीने के भीतर आपके क्लासरूम में पहुंच जाएंगे। उसका वितरण सुनिश्चित करते हुए दीवारों में धक्का करना, अलमारी में रखना और उनके माध्यम से पढ़ाने के लिए ये सब कुछ हमारे इंटरनेट पर उपलब्ध है, प्रेरणा पोर्टल पर, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, उनको देखें, स्वयं देखें, दूसरों को दिखाएं और इसका संवाद स्थापित करें कि इसके माध्यम से कैसे पढ़ाएं। क्लासरूम के अंदर चमक जाना चाहिए, परिवर्तित क्लासरूम, यूपी का क्लासरूम अकेडेमिक दृष्टिकोण से देश का सबसे बेस्ट क्लासरूम होना चाहिए। अभी वाराणसी में वो हो गया था, नीति आयोग की टीम आई, गदगद रह गई और चली गई, और वहां अगले नेक्स्ट रेटिंग में वाराणसी नंबर 1 पे आएगा।